हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके ट्रिक्स विसादिक में। दोस्तों, फाइनली आप सभी का इंतजार खत्म हो चुका है और बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। जी हाँ फ्रेंड्स, खत्म हुआ इंतजार, बहुत बड़ी खुशखबरी आई क्योंकि यहाँ पर फाइनली RRC GDC एग्ज़ाम डेट अपडेट आ चुकी है। फाइनली RRC के द्वारा GDC का एग्ज़ाम का अपडेट दे दिया गया है। अभी ही RRC का नोटिस जारी हुआ है वेबसाइट पर। बात करेंगे तो बाकी RRC की GDC एग्ज़ाम की अपडेट कब तक आ सकती है, इस बारे में भी आपको बताने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, देख लेते कौन से RRC से अब जो है GDC एग्ज़ाम की अपडेट आई है। इससे पहले चैनल पर नए, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती बोर्ड की, GDC की और LDC की पल-पल की अपडेट्स के लिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए बने वाली है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं सुबह के 9:44 का वक्त हमने RRC ECR हाजीपुर की ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन कर रखा। जब नीचे आएंगे तो देखिए यहाँ पर आपको जो है साइड में ही नोटिस बोर्ड का सेक्शन दिखाई देगा, इसे हम क्लिक करेंगे। अब जैसे हमने क्लिक किया तो देखिए अभी ही लेटेस्ट अपडेट डाली गई है। आज सुबह ही इसको वेबसाइट पर डाला गया, देखिए 15/10/2024 कल की अपडेट है लेकिन आज सुबह वेबसाइट पर डाला गया। देखिए नोटिस नंबर 13/2023 रिगार्डिंग CBT अगेंस्ट GDC नोटिफिकेशन नंबर RRC ECR HRD रिक्रूटमेंट GDC 2023 डेटेड 16/8/2023, मतलब कि डिटेल नोटिफिकेशन जो आपका 16/8/2023 को जारी किया गया था GDC का, जिसमें आपका ALP टेक्नीशियन JEE और गुड्स गार्ड मतलब ट्रेन मैनेजर की वैकेंसी आई थी, उसके रिगार्डिंग यहाँ पर जो है CBT एग्जाम के रिगार्डिंग यहाँ पर जो है नोटिस दिया गया। इसे हम ओपन कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर नोटिस ओपन हो चुकी है। आप देख सकते हैं पूर्व मध्य रेलवे मतलब RRC ECR ईस्ट सेंट्रल रेलवे हाजीपुर पटना की तरफ से जारी किया गया था कि सूचना नंबर 13/2023 15/10/2024 को GDC के कोटे के तहत CBT आयोजन संबंधित सूचना, मतलब कि आपका CBT एग्जाम के रिगार्डिंग यहाँ पर नोटिस निकाला गया है। देखिए पहला पॉइंट दिया गया था कि अधिसूचना संख्या RRC ECR HRD भर्ती मतलब ये रिक्रूटमेंट GDC 2023 दिनांक 16/8/2023 के तहत आवेदित अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि CBT अल्प सूचना पर निकट भविष्य में कभी भी आयोजित किया जा सकता है। मतलब कि जो इनका CBT एग्ज़ाम होगा आपका ALP टेक्नीशियन JEE और फिर गार्ड वगैरह के लिए जो भी यहाँ पर वैकेंसी आई थी, तो उसका जो CBT एग्ज़ाम होगा वो बहुत ही जल्द आपका जो है फ्यूचर में मतलब कि आपका 1-2 महीने के अंदर कभी भी जो है इनका जो है अपडेट आ सकता है, या फिर हम बोल सकते हैं कि CBT एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जा सकता है पूरी तरह से बोला गया है। अतः अभ्यर्थी उक्त परीक्षा हेतु अपने आप को पूर्णतः तैयार रखें। मतलब कि लगभग ये मान के चलिए मैक्सिमम चांस यही है कि आपका लगभग 15-20 में कोई ना कोई जो है इसका एग्ज़ाम का डेट दे दिया जाएगा यहाँ पर RRC ECR हाजीपुर के द्वारा। दोस्तों, जो सेकंड पॉइंट दिया गया, देखिए CBT आयोजन से संबंधित तिथि एवं अन्य आवश्यक जानकारी यथा समय रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ पूर्व मध्य रेल के आधिकारिक वेबसाइट पर मतलब RRC ECR government.gov.in पर उपलब्ध कराई जाएगी। मतलब कि सारी जानकारी आपको जो है आपको वेबसाइट पर मिलेगा, जिस पर से हमने यह भी जो है डाउनलोड किया नोटिस उस पर ही। आगे दिया गया, देखिए GDC से संबंधित सभी प्रकार की सूचनाएं केवल रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ की मतलब कि वेबसाइट पर ही आपको उपलब्ध कराई जाएगी। अभ्यर्थी को सलाह दी जाती है कि निरंतर वेबसाइट का अवलोकन करते रहे। मतलब कि अगर बात करें तो दोस्तों, फाइनली यहाँ पर पूरी तरह बोल दिया गया कि आपका जो है CBT एग्ज़ाम आप कभी भी कंडक्ट करवाया जा सकता है। देखिए अभी आज हो चुका है 16 अक्टूबर हो चुका है, तो लगभग ये मान के चले कि 30-31 अक्टूबर तक के मतलब कि लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर तक के आपका कोई ना कोई एग्ज़ाम डेट के रिगार्डिंग कोई ना कोई नोटिस आ सकता है। कि जैसे भाई हम फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में आपका पहला एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएंगे, या फिर सेकंड वीक में, या फिर हम 20 नवंबर से आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने वाले हैं, 15 नवंबर से आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने वाले हैं, इस तरह से कोई ना कोई नोटिस दिया जा सकता है। तो मैक्सिमम चांस ये है कि आपका जो है अक्टूबर लास्ट एंडिंग तक जो है आपका जो है फाइनली लास्ट वीक तक आपका अक्टूबर तक कोई ना कोई एग्ज़ाम डेट के रिगार्डिंग नोटिस आ जाएगा। मतलब कि अब ECR वाले कैंडिडेट जो है पूरी तरह से अपने आप को फाइनली जो है यहाँ पर प्रिपेयर रखें, क्योंकि इनका CBT एग्ज़ाम आप कभी भी कंडक्ट करवाया जा सकता है फ्यूचर में, मतलब कि आपका 15-20 दिन 1-2 महीने में कभी भी जो आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवा लिया जाएगा। और अगर दोस्तों RRC ECR हाजीपुर की मतलब ECA टेंडर मतलब GDC ECA टेंडर की अगर बात करेंगे हम, तो देखिए यहाँ पर इसका जो है ECA टेंडर RRC ECR GDC का एग्ज़ाम टेंडर का रिगार्डिंग यहाँ पर 28/8/2024 का इसका जो है ECA टेंडर ओपन हो चुका था। तो 28/8/2024 मतलब 28 अगस्त 2024 को इसका ECA टेंडर ओपन हो चुका था। और उसके बाद ये मान के चलिए कि अंडर रिवॉल्यूशन मतलब कि जाँच पड़ताल में जाने के बाद आपका लगभग ये मान के चलिए कि आज हो चुका है 16 अक्टूबर, तो पूरा हम सितंबर को छोड़ देंगे और इधर ये 16 दिन मतलब लगभग 1-20 दिन में लगभग आपका जो है 1-20 दिन मतलब लगभग जो है आपका 50 दिन में यहाँ पर जो है फाइनल यहाँ पर ECA टेंडर फाइनलाइज करके यहाँ पर आपका CBT के एग्ज़ाम के डेट के रिगार्डिंग यहाँ पर नोटिस जारी किया गया है।
वहीं पर दोस्तों अगर बात करेंगे अदर आरआरसी के बारे में, तो अदर आरआरसी का जो जीडीसी एग्ज़ाम होगा, तो देखिए धीरे धीरे यहाँ पर आरआरसी डब्ल्यूसीआर मतलब कि वेस्ट सेंट्रल रेलवे जबलपुर ने अपना जो है जीडीसी एग्ज़ाम डेट के रिगार्डिंग यहाँ पर नोटिस आपका जो है एक लिंक को ओपन किया था। उसमें जो है आपको टेक्नीशियन वाले कैंडिडेट्स को जो है क्वालिफाई करने अपना ट्रेड वगैरह और क्वालिफिकेशन ऐड करने के लिए यहाँ पर बोला गया था, एएलपी वाले कैंडिडेट्स को और कई सारे कैंडिडेट्स को इस तरह से बोला गया था। और उसके बाद यहाँ पर ईसीआर के द्वारा भी यहाँ पर ईसीआर टेंडर फाइनलाइज होने के बाद सीबीटी एग्ज़ाम के रिगार्डिंग यहाँ पर आपको नोटिस दे दिया गया है। और धीरे धीरे यहाँ पर सभी आरआरसी के द्वारा यहाँ पर अब अपना जो है जैसे आपका आरआरसी एसीआर साउथ ईस्टर्न रेलवे नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे का तो एग्ज़ाम हो चुका है, और इस तरह से आपका सीआर हुआ सेंट्रल रेलवे के द्वारा भी आपका जो है जल्दी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने की संभावनाएँ बन रही है। तो दोस्तों बड़ी ऑफिशियल अपडेट थी, बड़ी खुशखबरी है कि यहाँ पर फाइनली ईसीआर हाजीपुर यहाँ पर जा चुका है और इस अपने जो है एग्ज़ाम जीडीसी एग्ज़ाम डेट के रिगार्डिंग यहाँ पर नोटिस दे दिया गया कि अब उनका जो एग्ज़ाम जल्दी ही कंडक्ट होने वाला है। तो दोस्तों बड़ी ऑफिशियल अपडेट थी, आप सभी के साथ मैंने शेयर कर दी है। ऐसी लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिलहाल हम इस वीडियो में इतना रखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट साथ मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय फ्रेंड्स।